देखो स्नेल्स लॉ को एक तरीका हमने बताया था, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह आप लिख सकते हो, एक ये तरीका है। दूसरा जनरली हर बुक में दिया होता है म्यू टू वन साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिख सकते हो, ठीक है। और जो लॉन्गर वर्जन है उसको इस तरह लिख सकते हैं, जब सारे के साथ अगर रिलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन, अगर स्पीड के साथ रिलेट करना है, वेवलेंथ के साथ रिलेट करना है, एंगल के साथ रिलेट करना है, तो आप इस तरह लिखोगे वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ये रिलेशन होता है स्नेल का। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन म्यू और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन म्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। लेकिन स्पीड और वेवलेंथ तो कम भले ही हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से नहीं बदलती है, ये पॉइंट याद रखना है। फ्रीक्वेंसी कौन बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स बदल सकता है जिसने उसको पैदा किया है। जैसे लाइट का सोर्स है उस वो अगर बदलना चाहे फ्रीक्वेंसी तभी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, मीडियम किसी भी ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता है। वेवलेंथ और स्पीड बदल जाएगी, मीडियम बदल सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकता, ये पॉइंट याद रखना है। ये लॉन्गर वर्जन है स्नेल्स लॉ का, ऐसे लिखा जाता है म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, याद रहेगा।